हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे स्पेशल विद नेहा में। तो दोस्तों, मैं हूँ नेहा तोमर और आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे देखने के बाद आपको बिल्कुल भी बाज़ार से दही भल्ले खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम घर पर ही बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट दही भल्ले बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे एक कटोरी, मैंने यहाँ पर मूंग की धुली हुई दाल ली है, और एक कटोरी ही मैंने यहाँ पर उड़द की धुली हुई दाल ली है। दोनों ही मैंने यहाँ पर धुली हुई दालें ली हैं और एक एक कटोरी दाल को मैंने यहाँ पर ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ओवरनाइट सोक करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, और हाथ से इस तरीके से अगर आप दबा के देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डालकर हल्का हल्का हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाकर तैयार करना है, थोड़ा सा हमें इसे दरदरा पेस्ट ही बनाकर तैयार करना है। अगर आप इसका ज़्यादा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे तो हमारे जो दही बल्ले हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। तो इसका हम थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारा जो दाल का बैटर है वो बनाकर तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसे बड़े बर्तन में मैंने यहाँ पर निकाला है क्योंकि अभी हम इसे यहाँ पर हाथ से फेंटेंगे। तो फेंटने से दोस्तों क्या होगा यहाँ पर कि जो इसका कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के साथ साथ आपका जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर कम से कम हमें इसे 10 मिनट तक इसी तरीके से आपको फेंटना है। कहा जाए तो इसमें एक तरीके से हमें हवा भरनी है। हवा भरने से मतलब होता है कि जो हमारे जो दही बल्ले होते हैं वो बिल्कुल ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसमें कोई भी एडिशनल चीज़ ऐड नहीं की है, और इसी तरीके से हाथ से फेंटने के बाद ये बैटर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये बैटर बिल्कुल ही वाइट हो गया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा मैंने एक इंच अदरक के टुकड़े को यहाँ पर क्रश करके डाला है, बिल्कुल बारीक। मैंने यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है इसे, और उसके बाद हम इसमें इसे ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार आप यहाँ पर नमक डाल लें, जैसा भी आप नमक खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर नमक डाल लें। और उसके बाद हम दोबारा से इसे इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से फेंटेंगे। आपको यहाँ पर इनो या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके जो दही बल्ले हैं वो घर बैठे ही बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे गर्म करना है। और इस तरीके से आप अपने हाथ से लेकर एक गोल शेप में इस तरीके से आप दही बल्लों को इसमें तोड़ते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसमें इसे डालेंगे और आपके जो दही बल्ले हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए आपको इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब आपको इसका लगे कि हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, तब आप इसे हल्का सा करछी से इस तरीके से आप इसे पलट लें। वैसे आपको यहाँ पर पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब ये बॉल के शेप में बनकर तैयार होंगे तो ये खुद ब खुद ही पलट कर अपने आप ही ये फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से इन्हें इस तरीके से टच करते हुए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे दही बल्ले हैं वो बिल्कुल इस तरीके से गोल्डन फ्राई मैंने यहाँ पर इन्हें किया है, और ये फ्रेंड्स आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इन्हें अगर हाथ से इस तरीके से दबाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ना कोई इनो पाउडर ना बेकिंग पाउडर कुछ भी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो हमारे जो बल्ले हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ मैंने एक बड़े भगोने में यहाँ पर हल्का सा गर्म पानी लिया है, जिसे गुनगुना बोलते हैं, गुनगुना पानी लिया है, ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच के करीब हींग। यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है इसमें, और थोड़ा सा हम स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे नमक, और दोनों चीज़ को हम अच्छे से गर्म पानी में मिला लेंगे। आपको इसमें किसी भी छौके वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से हम नमक और हींग को मिलाते हुए एक हींग और नमक का पानी तैयार करेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर हमने भल्ले बनाकर तैयार किए थे उन्हें हम इस तरीके से इसमें 2 से 3 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने भल्लों को पानी में भिगोकर रख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं,
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे दही बल्ले हैं वो अच्छे से बनकर जो फूल कर वो अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर इन्हें फ्रिज में रख दिया था जिससे कि इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो अब फ्रेंड्स हम इन्हें एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये सर्विंग बाउल लिया है और उसमें 6 से 7 हम यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा हाथ से दबाते हुए इन दही बल्लों को पानी में से हम निकालेंगे। आपको इन्हें ज़्यादा नहीं दबाना है, अगर आप इन्हें ज़्यादा दबाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो हल्का सा हाथ से प्रेस करते हुए हम इन्हें सर्विंग बाउल में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 6 से 7 मैंने यहाँ पर भल्लों को डाला है और इसके बाद हम इसके ऊपर से डालेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर घर की ही जमी हुई दही यूज़ की है और उसे हल्का सा पानी डालकर मैंने यहाँ पर मथनी से इसे हल्का सा मथ लिया है और उसके बाद हम इसके दही बल्लों के ऊपर से दही स्प्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दही जो है वह अच्छे से स्प्रेड हो गई है और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे चटनी। तो मैंने यहाँ पर घर की ही बनी हुई मीठी सॉल्ट जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार की है। तो आप इसे भी इसके ऊपर से स्प्रेड कर देंगे और जो ग्रीन चटनी होती है वो भी मैंने यहाँ पर घर पर ही बनाकर तैयार की थी और इसे भी हम इसके ऊपर से हल्का हल्का स्प्रेड करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास काला नमक, काली मिर्च जो भी अवेलेबल हो आप इसके ऊपर से इसे स्प्रेड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पर डाला इसके ऊपर से भुना हुआ जीरा, हम इसके ऊपर से स्प्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे जो दही बल्ले हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं और इसे हम एक पुदीने के पत्तों से गार्निश करेंगे जिसे ही फाइनल टच बोलते हैं। तो हम इसे जो फाइनल टच देंगे वो हम इसे पुदीने के पत्ते से देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी इस वीडियो को एक बार घर पर ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बाज़ार से दही बल्ले खाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।